आर्यन खान ड्रग्स केस में कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। समीर वानखेड़े ने जो पिटीशन दाखिल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के एसएमएस पैगामात का भी तस्करा किया है, जिसमें शाहरुख खान ने बाज़ाब्ता तौर पर समीर वानखेड़े को ये कहा था कि वो एक बाप का दर्द समझ सकते हैं और वो उनके बेटे को जो है इस मुश्किल से निजात दिलाने की कोशिश करें। उन्होंने भीख मांगी थी कि उनका बेटा जो है उनके कैद से आजाद हो जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने बेटे को बेराह रवि से निजात दिलाने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे और उनके बेटे को सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन बता दें आपको कि आर्यन क्रूज ड्रग्स केस एक ऐसा केस है जिसमें ये पता लगा है कि आर्यन के नाम पे ही टिकट फरोख्त किए गए थे क्रूज ड्रग्स में शामिल होने वाली पार्टी में। बता दें आपको कि जिस तरह से ये केस सामने आया था, उस वक्त के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह और समीर वानखेड़े में बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी के दौरान इख्तलाफात वाज़े हो गए थे। समीर वानखेड़े से जब तफ्तीश की जा रही थी विजिलेंस टीम की, तो समीर वानखेड़े ने इल्जाम लगाया कि ज्ञानेश्वर सिंह का रवैया उनके खिलाफ है और वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तोहीन उनके खिलाफ उनके सामने कर चुके हैं। ऐसे में जो है एक मुतासिब अफसर जो है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट की बुनियाद पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है रिश्वत सताने की, हफ्ता वसूली की। और इस मामले में जो है समीर वानखेड़े ने जो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जो है राहत दी है। बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है ऐसा पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि ये भी सामने आया है समीर वानखेड़े ने ये भी इल्जाम आयद किया है कि जो रिपोर्ट और चार्जशीट समीर वानखेड़े ने आर्यन केस में तैयार की थी उसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई है और तरमीम करके जो है आर्यन खान को क्लीन चिट दिलवाई गई है, जबकि समीर वानखेड़े ने जो पुरानी चार्जशीट दाखिल की थी या दाखिल करने वाले थे उसको तब्दील कर दिया गया था। और ये तब्दील किसके हुक्म पर हुई और समीर वानखेड़े के पास जो है वो पुराने दस्तावेजात सब मौजूद है। आगे ये भी साबित हो सकता है कि क्या ज्ञानेश्वर सिंह ने चार्जशीट को तब्दील करवाया आर्यन को बचाने के लिए, क्या समीर वानखेड़े का इसमें कुछ रोल है, ये बात जो है वो सीबीआई की तफ्तीश में सामने आएगी। लेकिन मामला जो है ये है कि समीर वानखेड़े जो है एक फर्शनास और ईमानदार अफसर है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर केस का सामना करने की बात भी कही है। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से उनके घर पर सीबीआई भेजी गई वो उनकी ईमानदारी का एक इनाम है। बता दें आपको कि शाहरुख खान ने मुतअद्दिद एसएमएस जो है समीर वानखेड़े को किए थे और एसएमएस में उन्होंने रहम की दरख्वास्त की थी और कहा था कि उन पर रहम किया जाए, उनके बेटे पर रहम किया जाए, उनका बेटा जो है बेराह रवि की तरफ जा चुका है और वो उन्हें सुधारना चाहते हैं और समीर वानखेड़े भी जो है उसकी जहन साजी करके उसे सुधारना चाहते थे। यही बात जो है बारहा शाहरुख खान ने कहा और शाहरुख खान ने यह भी कहा कि अगर वो चाहते हैं कि वो उनसे मुलाकात करे तो वो उनसे मुलाकात के लिए भी जो है मुतमन्नी है। ये भी बता दिया आपको कि शाहरुख खान ने हर तरह का ऑफर समीर वानखेड़े को दिया, लेकिन समीर वानखेड़े ने कानून के मुताबिक काम किया। समीर वानखेड़े जिस वक्त आर्यन की तहवील हासिल कर चुके थे, उनकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई थी, तब जो है वो उन्होंने आर्यन की तहवील नहीं मांगी थी, कस्टडी से इनकार कर दिया था, लेकिन एक आला अफसर के दबाव में आकर दोबारा आर्यन की तहवील ली गई। बता दें आपको कि यह आला अफसर कौन था वो तो समीर वानखेड़े ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह से इस मामले में इंकशाफात हो रहे हैं उससे ऐसा महसूस होता है कि यह मामला पेचीदा हो गया है। और इस मामले में सिर्फ समीर वानखेड़े की टीम की ही परेशानी नहीं बढ़ेगी बल्कि ज्ञानेश्वर सिंह की परेशानी में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि समीर वानखेड़े की टीम ने जो कार्रवाई की थी वो कानून के मुताबिक थी, वो पहले रोज से ही ये बात कह रहे हैं। लेकिन अब जो है ज्ञानेश्वर सिंह ने किस ईमा पर ये तमाम रिपोर्ट तब्दील की और ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या इस तफ्तीश में अहम रोल अंजाम दिया, ये तमाम चीज भी जो है सीबीआई देखेगी। सीबीआई का जो मरकजी किरदार है वो तमाम पहलुओं को उजागर करना है।
इसमें रिश्वत सतानी का मामला हो सकता है, इसमें मुजरिमाना साजिश करके किसी को फंसाने का मामला हो सकता है, क्योंकि मुजरिमाना साजिश का मामला भी सीबीआई ने देखने की कोशिश की है इस मामले में। यह भी बताया गया है कि पूजा डेडलानी जो 50 लाख रुपया लेकर मिली है समीर वानखेड़े से, यह भी साबित नहीं हो पाया है अब तक। बता दें कि जो गोसावी है, गोसावी ने वसूली की कोशिश की थी, इसके सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन जो समीर वानखेड़े ने जो रिट पिटीशन डाली है, जो दस्तावेजात कोर्ट को दिए हैं, उसमें कई अहम खुलासे हो रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान का एसएमएस जो है बहुत अहमियत रखता है कि शाहरुख खान ने क्यों इतने एसएमएस किए। रात देर तक शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को एसएमएस किया और कहा कि मेहरबानी करके मेरे लड़के को जेल ना भेजे, वो लड़का जो है वो सुधरना चाहता है और हम जो है उसे सुधार लेंगे, प्लीज हम पर रहम करें और हमारे खानदान पर रहम करें, आप जो है वो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। उन्होंने शाहरुख खान ने यहां तक के समीर वानखेड़े को यह भी कहा कि आप पर मुझे भरोसा, इसलिए मैं प्रेस में भी नहीं गया इस मामले को लेकर। लेकिन बता दें आपको कि जिस तरह से एसएमएस पैगामात शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के दरमियान में चैट आम हुई है, उससे यह वाजे होता है कि समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं कार्रवाई में दुरुस्त थे और समीर वानखेड़े ने कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की थी, क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में जो मामला सामने आए थे उसमें आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट समेत दीगर लोग भी शामिल थे और आर्यन को क्लीन चीट उसमें मिली है, जबकि अरबाज मर्चेंट जो है अब भी मुलजिम है। कहीं ना कहीं ये मामला जो है पेचीदगी का शिकार है। लेकिन बता दें आपको कि इस मामले में जो है आगे चलकर समीर वानखेड़े की परेशानी कम भी हो सकती है और उन्हें क्लीन चीट भी मिल सकती है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।